हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के नए ब्लॉग में। तो आज हम आए DRDS ऑफिस केदराबाद दरभंगा, और यहाँ पे हम आए थे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में जानने के लिए कि आखिर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्या होता है, और बिहार सरकार जो भी स्टूडेंट मान लीजिए कि उनका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो वो लोन लेके कैसे अपनी पढ़ाई आगे कर सकता है, अपनी स्टडी कैसे कर सकता है, तो इसके बारे में हम जानने के लिए यहाँ पे आए थे DRDS ऑफिस केदराबाद दरभंगा। तो यहाँ पे हम आए तो सोचे कि आप लोग के लिए भी हम थोड़ा वीडियो बना लेते हैं ताकि आने वाला समय में आप लोग को काम आएगा। तो यहाँ पे आने के बाद समझिए कि हम तो थोड़ा देख लिए कि सारे यहाँ पे कार्य अच्छे तरीके से ही होता है, सारा कागजी कार्य। तो उसके बाद हमने क्या किया कि जितने भी यहाँ पे पोस्टर लगे हुए थे उसको हम अच्छे से पढ़ने लगे और सारी जानकारी को इकट्ठा करने लगे। और ख़ास करके तहर जो एजुकेशनल लोन दिया जाता है बिहार सरकार के द्वारा, तो वो होता है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत आपको लोन दिया जाता है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कोई कार्ड नहीं है, ये बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया स्कीम है जो एजुकेशनल लोन के रूप में दिया जाता है। तो आपको बता दें कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत आपको 4 लाख तक का लोन दिया जाएगा। जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं, बिहार में रहकर ही करना चाहते हैं या बिहार से बाहर रहकर करना चाहते हैं, तो बिहार सरकार इसके लिए आपको 4 लाख तक का बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत आपको लोन देगा। ये लोन कोई पैसा नहीं होता है। बिहार सरकार आपको क्या करेगा कि जो आपका बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट आप पासबुक यहाँ पे लेता है, साथ में आपके जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं 10th 12th ग्रेजुएशन के जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपसे लिया जाता है, वोटर आईडी कार्ड लिया जाता है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लिया जाता है, आपके जो भी माता पिता है उनका आधार कार्ड का फोटो स्टेट लिया जाता है, ये सब सारा डॉक्यूमेंट्स लिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि ये पैसा बिहार सरकार बैंक को भेजता है, बैंक में भेजता है जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है उस बैंक में भेजता है, और वो पैसा फिर आप उस कॉलेज में जिस भी कॉलेज से आप कोई कोर्स करते हैं तो उसमें आप वो बैंक भेजता है। तो हम आए थे कि बिहार बीएड के लिए कि बिहार बीएड अगर मान लीजिए हम करना चाहते हैं तो उसके लिए लोन कैसे देता है, तो यही हम आए थे जानने के लिए। तो पता चला कि फिलहाल अभी तक दरभंगा में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत बीएड का कोर्स करवाता है और उसके तहत आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि सर लोग ने ये भी कहा है कि हो सकता है कि एडमिशन के बाद बिहार बीएड के जो भी खास करके दरभंगा के जो भी जितने भी कॉलेज हैं वो हो सकता है कि पोर्टल चालू कर दे तो उसके तहत आप बिहार बीएड कर सकते हैं। हालांकि अभी तक पोर्टल चालू नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि एडमिशन के बाद हो जाए। तो यहाँ अगर आप आते हैं तो सारा डॉक्यूमेंट्स ले लें, और पहले आप बिहार एंट्रेंस एग्जाम पास किए होंगे, उसके बाद आप काउंसलिंग करवाए होंगे, काउंसलिंग करवाने के बाद उस कॉलेज में आपको एडमिशन करवाना होगा, उसके बाद वो सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर आप यहाँ पे आइएगा, उसके बाद आपका लोन फाइनेंस हो जाएगा। यही सारा नियम बिहार बीएड के लिए लागू होता है, बीटेक जो कर रहे हैं उसके लिए लागू होता है, जो भी अदर कोर्स भी करना चाहते हैं उसके लिए भी लागू होता है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में जो 4 लाख तक का लोन लेता है, ऐसा नहीं कि आपको 4 लाख का लोन दिया जाएगा, आपका कोर्स जितना में होता है उतना ही आपको दिया जाएगा। और मान लीजिए कि आप बीएड कर रहे हैं तो आपको 2 लाख का जरूरत पड़ेगा, आपका कोर्स 2 लाख में पूरा हो जाएगा तो आपको 2 ही लाख दिया जाएगा, ऐसा नहीं है 4 लाख। और ये भी नहीं है कि आप मान लीजिए कि 4 लाख का लोन लेके आप कोई चाहते हैं कि हम अपना दुकान खोल लें, इसके लिए भी नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ कोर्स के लिए ही देता है। तो उस तो इसी में है। और इसमें क्या होता है, जो खास करके जो बॉयज है उनको 4% इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, और महिला और डिसेबिलिटी के लिए छूट है, सिर्फ 1% डिस्काउंट पे ही उनको ये लोन चुकाना पड़ता है कोर्स पूरा करने के बाद अगले 7 साल तक। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा ये भी बताइए।